हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में। तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, और आज जो डिश हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है संदेश। तो संदेश एक स्वीट डिश है और इसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और तरह तरह की टेक्निक से ये बनाई जाती है। और आज मैं आपको एक इजी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, और इस टेक्निक से आप इसे बहुत ही आसानी से आप इसे अपने घर में इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो संदेश बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पनीर, उसके अलावा हमें चाहिए पाउडर्ड शुगर, मिल्क पाउडर, दूध, थोड़ा सा मैदा और छोटी इलायची, ग्रीन कार्डमम। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम आज ये जो संदेश बनाएंगे एक टेक्निक से, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूँगा, तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि सभी इंग्रेडिएंट्स को हम एक मिक्सर जग में डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे पनीर, आप इसे तोड़ कर डाल दें ताकि ये मिक्स होने में आसानी हो। तो सभी पनीर के पीसेस को आप तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में आप इस जग में डाल दें। फिर हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, लगभग हाफ कप मिल्क पाउडर। डिटेल जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने डाला पनीर, फिर हम डालेंगे मिल्क पाउडर, फिर हम डालेंगे दूध, और फिर पाउडर्ड शुगर। और फिर हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा। तो मैदा डालने से क्या होगा कि इस संदेश में ये बाइंडिंग की मदद करेगा, एक साथ इसको लाने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए हम इसमें मैदा डालते हैं। तो सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे चला लेंगे। हाँ, ग्रीन कार्डमम डालना बाकी रह गया था, तो फिर हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची या ग्रीन कार्डमम, लगभग 3 से 4। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसे एक फाइन पेस्ट होने तक हम इसे चला लेंगे मिक्सी में। तो हमने सभी चीज़ों को मिक्सी में थोड़ी देर चला लिया और इसका एक फाइन पेस्ट बन चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें ये मिक्सचर चाहिए। तो इसी कंसिस्टेंसी के मिक्सचर को अब हम थोड़ी देर एक कढ़ाई में हम इसे कुक कर लेंगे, ताकि जो एक्सेस दूध है और लिक्विड कंटेंट है वो थोड़ा सा सूख जाए। तो अब हम इसे एक कढ़ाई में थोड़ी देर कुक करेंगे। तो अब हम जो पेस्ट हमने बनाया था सभी चीज़ों का, पनीर, मिल्क पाउडर, चीनी और मैदा, उसको अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे और इसे लगभग 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। और इसे कुक तब तक करना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। इसमें जो एक्सेस लिक्विड कंटेंट है, जो दूध हमने डाला था, वो थोड़ा सा रिड्यूस ना हो जाए और एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी में ये ना आ जाए। तो लगभग इससे इसमें 10 से 15 मिनट इसमें लगेंगे। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर इसे आप कंटिन्यूसली स्टर करते रहें लगभग 10 से 15 मिनट, और इसे आप कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, क्योंकि अगर आप इसे स्टर नहीं करेंगे तो इसे इसमें नीचे से दूध के चिपकने का खतरा रहता है और आपका जो डिश है वो बर्बाद हो जाएगा। तो आप इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक। तो लगभग 10 से 12 मिनट इस मिक्सचर को अच्छी तरह से कुक करने के बाद
आप देख सकते हैं कि जो एक्सेस लिक्विड कंटेंट है, जो दूध है, वो रिड्यूस हो गया है और जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में हमें ये मिक्सचर चाहिए। तो अब हम इस मिक्सचर को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसे एक कंटेनर में निकाल लेंगे और इसे फ्रीज करेंगे रेफ्रिजरेटर में लगभग 4 से 5 घंटे। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए, जबकि सारा जो दूध है, जो लिक्विड कंटेंट है एक्सेस, वो सूख जाए और ये एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो आप इस कंसिस्टेंसी को अच्छी तरह से नोट कर लें, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में ही हमें चाहिए। तो अब हम इस मिक्सचर को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसे एक कंटेनर में, एक केक टिन में, अगर हो सके, अगर आपके पास केक टिन हो या किसी भी डीप वेसल में, आप इसे निकाल लें और इसे थोड़ा सा टैप कर लें, इसे थोड़ा सा ऊपर से आप इसे एक स्पून की मदद से आप इसे फ्लैट कर लें और फिर आप इसे रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, आप इसे लगभग 4 से 5 घंटे, आप इसे फ्रीज होने के लिए, सेट होने के लिए आप इसे रखें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो संदेश है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंटैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा फर्म हो जाएगा और ये अपना शेप पकड़ लेगा। और फिर हम इसे फ्रीज़र में से निकालेंगे लगभग 4 से 5 घंटे बाद और इसे मनचाहे पीसेस में, इससे में आप जैसा भी शेप आपको पसंद हो उसमें आप काट कर आप इसे सर्व करें। तो हमने इस संदेश के मिक्सचर को लगभग 4 से 5 घंटे डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया। तो 4 से 5 घंटे बाद हम इसे फ्रीज़र में से निकाल लेंगे और अब हम इसे इसके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में काटें, मैं इसके रेक्टेंगुलर पीसेस काट लूँगा। तो आप इसे एकदम ध्यान से आप इसे काटें क्योंकि ये फ्रीज़ हो चुका है और थोड़ा सा इसमें चाकू घुमाने में थोड़ा सा आपको इसमें तकलीफ़ आएगी, तो आप एकदम ध्यान से करें। तो आप इसके स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पीसेस आप इसके काट लें और फिर आप इसे निकाल लें इसमें से। तो एकदम ध्यान से आप इसके पीसेस काटें और फिर इसे सर्व करें एकदम चिल्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो संदेश है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है। और अगर आप चाहें तो इसे आप चेरीज के साथ आप इसे गार्निश कर सकते हैं। तो इसे आप एकदम चिल्ड ही सर्व करें, इस एकदम इसको चिल्ड खाने में ही इसका मज़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।